क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, टिम कुक, मार्क जुगरबर्ग, इंदिरा नूई, रिचर्ड ब्रांसन, अन्ना जाने कितने, उनमें कुछ आदतें एक जैसी होती हैं। उनमें से एक आदत है जल्दी उठने की। इन लोगों के बारे में देखकर, पढ़कर, सुनकर आप मोटिवेटेड भी होते हैं। और आपने भी कई बार सोचा होगा कि मुझे भी सक्सेसफुल बनना है और मैं भी कल से जल्दी उठूंगा, अलार्म भी जल्दी का लगाया होगा, लेकिन सुबह अलार्म बंद करके फिर सो गए होंगे, या 5 मिनट बाद उठूंगा करते करते नहीं उठ पाते। क्यों होता है ना ऐसा? आज आपको मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है और सुबह जल्दी उठना क्यों जरूरी है सक्सेसफुल बनने के लिए, और आप ये कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक सुने। इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपकी जिंदगी में नया चेंज ला सकती है और आपको वो सब पाने में मदद करेगी जो आप दिल से चाहते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और शेयर करके उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि मॉर्निंग ही है जहां से आपकी सारी कहानी शुरू होती है। यहीं से आप कामयाब बनने का माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। यहीं से आप अपने ड्रीम्स, पैशन और टैलेंट को अपने काम में कन्वर्ट करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं और एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। सुबह जल्दी उठने का दूसरा पहलू यह है कि यह आपके बाकी के दिन के लिए टोन और एक रिदम सेट करता है। आप अपने मॉर्निंग की शुरुआत दृढ़ निश्चय और एक उद्देश्य के साथ कीजिए। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन काफ़ी मैनेज और पर्पसफुल है और आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब अगर आपकी सुबह अच्छी होगी तो आपका दिन अपने आप अच्छा हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग इतना मैटर कैसे करती है, तो मैं आपको सुबह जल्दी उठने के कुछ फ़ायदे बता दूँ। पहला, आप ज़्यादा प्रोएक्टिव एंड प्रोडक्टिव होंगे। फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा ने लिखा है, अगर आप दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव लोगों के बारे में स्टडी करोगे तो आपको उनमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, वो सब जल्दी उठने वाले लोग होंगे। वही हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू 2010 के अनुसार, जिन लोगों की परफॉर्मेंस मॉर्निंग में उनके पीक पे होती है वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उन लोगों के मुकाबले जो इवनिंग में बेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग परफॉर्मर्स ज़्यादा प्रोएक्टिव एंड प्रोडक्टिव होते हैं। दूसरा, आप अपने आने वाली परेशानियों को जल्दी भाप कर उनके लिए प्लान बना सकते हैं। तीसरा, आप प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। ये कहा जाता है कि आप अगर प्लानिंग में फेल हो जाते हैं तो आप फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठने वालों के पास ज़्यादा टाइम होता है चीज़ें ऑर्गेनाइज करने के लिए, पहले से किसी भी प्रॉब्लम के लिए तैयार रहने के लिए, क्योंकि उस वक्त बाकी दुनिया सो रही होगी। आप प्रोएक्टिव बन सकते हैं और आपका उद्देश्य ही प्रोडक्टिव बनने का है रिएक्टिव की जगह। जहाँ दूसरे लोग अलार्म क्लॉक के साथ खेल रहे होंगे, आप अपने दिन की प्लानिंग अच्छे से कर सकते हैं। चौथा, आप में ज़्यादा एनर्जी होगी। सुबह के कुछ मिनट्स की एक्सरसाइज आपको पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी देगा। ब्लड का फ्लो दिमाग की तरफ बढ़ेगा, जिससे आप और अच्छे से फोकस होकर सोच पाएंगे। नींद अच्छी आएगी, आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। इसलिए एक्सरसाइज करने वालों का मूड एक्सरसाइज ना करने वालों से बेहतर होता है। स्पेन की एक यूनिवर्सिटी ने मॉर्निंग पीपल एंड इवनिंग पीपल पर स्टडी करके ये पाया कि मॉर्निंग में उठने वाले लोग ज़्यादा हैप्पी हैं और उनमें लाइफ सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है उन लोगों के मुकाबले जो जल्दी नहीं उठते। अगर आप किसी भी सफल व्यक्ति से पूछेंगे कि सफल होने के लिए क्या जरूरी है, तो वो कहेगा हायर प्रोडक्टिविटी, प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, हायर एनर्जी, पॉजिटिव मूड। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि जल्दी उठने के क्या फ़ायदे हैं और सफल बनने के लिए ये कितना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको सुबह उठने में बहुत परेशानी होती है, आप सुबह उठने के लिए विल पावर और एनर्जी नहीं जुटा पाते, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आप हर साल ये रेजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन नहीं उठ पाते। चलिए मैं आपको 5 स्टेप बताता हूँ जिसको फॉलो करके आप कल से ही जल्दी उठ सकते हैं। पहला, सोने से पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि सुबह क्या करने वाले हैं। सुबह जल्दी जागने के लिए आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपको सुबह क्या करना है। नॉर्मली हमारी सुबह की पहली थॉट वही होती है जो रात को सोने के वक्त होती है। अक्सर आपने यह देखा होगा कि अगली सुबह अगर आप कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं, जैसे कि आप किसी ट्रिप पे जाने वाले हैं, तो आपको जल्दी नींद नहीं आती, और लेट सोने के बावजूद आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वो भी बिना अलार्म क्लॉक के। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके सोने से पहले की सोच पॉजिटिव होती है। वहीं आप अगर ये सोचते हैं कि अगर मैं सुबह 6 बजे उठा तो अच्छा फील नहीं करूँगा, तो सुबह होते ही आप सबसे पहले ये सोचेंगे कि अरे इतनी जल्दी 6 बज गए, और आप अपने अलार्म को बंद करके फिर सो जाएंगे। इसलिए आपको हर रात ये डिसाइड करके सोना होगा कि आपको सुबह करना क्या है, जिससे आपको पहले से ही पता होगा आपको जागने के बाद कौन कौन से काम करने हैं। दूसरा,
अलार्म को अपने पहुंच से दूर रखें। अलार्म को पूरे वॉल्यूम में अपनी पहुंच से जितना दूर हो सके रखें, ताकि आपको बेड से निकलकर जाना पड़े उसे बंद करने। ज़्यादातर लोग अलार्म को अपने पास रखते हैं, जिससे वो आसानी तक उस तक पहुंच जाते हैं और बंद कर देते हैं। कई बार तो आपको रियलाइज़ भी नहीं होगा कि आपने अलार्म बंद किया है। आपको लगेगा कि आप कुछ सपना देख रहे थे। सुबह उठने का सबसे बड़ा चैलेंज बेड छोड़ने का ही होता है। अगर आपने वो कर लिया तो आपने आधी जंग तो जीत ली। तीसरा, ब्रश योर टीथ। अलार्म बंद करने के तुरंत बाद बेड पे जाने के बजाय आप सीधा ब्रश करने चले जाइए। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको ब्रश करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम आप जितना हो सके बेड से दूर रहें, और ब्रश करने के बाद आप काफ़ी हद तक जग जाएंगे। चौथा, एक गिलास पानी पीजिए। यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। सुबह सुबह इससे आप एनर्जेटिक फील करेंगे। पूरी रात बिना पानी के बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, जिससे आप लेजी फील करते हैं। तो एक गिलास पानी आपको एनर्जी देगा, जो आपके विल पावर के लिए बहुत ज़रूरी है। पांचवा, ड्रेस अप फॉर योर नेक्स्ट एक्सरसाइज और गो फॉर अ शावर। आपके पास यह ऑप्शन है, या तो आप ड्रेसअप हो सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, या आप शावर के लिए जा सकते हैं। इन पाँच स्टेप्स के बाद आप पूरी तरीके से जग गए होंगे। कुछ एडिशनल एडवाइस और है, जैसे कि आप ऑटोमेटिक लाइट लगा सकते हैं जो आपके अलार्म क्लॉक के साथ ही जल जाए, या सर्दी के दिनों में आप गर्म कपड़े पहन के सोए, ताकि सुबह रजाई से निकलने वक्त आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये कुछ टिप्स और स्टेप्स थे जो आपको सुबह जल्दी उठने में आपकी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपके लिए कुछ मोटिवेशनल लाइंस। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मुश्किलें जरूर हैं मगर ठहरा नहीं हूँ मैं। मंजिलों से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में लिखकर बताएं आपको क्या अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।